जय जगन्नाथ, वेलकम टू योर चैनल। सो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो प्रॉन करी बड़ा वाला झींगा मच्छी की सब्जी बनाएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये जो झींगा मच्छी हम बाज़ार से कटवा कर लाए हैं थोड़ा सा, बट इसमें और थोड़ा हमें छाटना है और साफ़ करना है। हम इसको चलिए थोड़ा साफ़ करके, देखिए हम साफ़ कर लिए। साफ़ करने के बाद इसको धो के इसमें जो स्वाद अनुसार आपको जो चाहिए तो हल्दी डाल देंगे, और स्वाद अनुसार आप नमक इसमें डाल देंगे। हल्दी और नमक इसमें डालने के बाद 10-15 मिनट इसको रख देंगे, ठीक है, ताकि हल्दी और नमक इसके अंदर चले जाए। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसको फ्राई करने के लिए आप सरसों तेल लेंगे। अगर सरसों तेल आप नहीं है तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले झींगा मच्छी को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जो आलू है आलू को फ्राई कर लेंगे। तो नॉर्मली क्या है, हम आलू को हर सब्ज़ी में डालते हैं, स्पेशली मच्छी के सब्ज़ी में डलता है, बट डिपेंड करता है सब्ज़ी किस टाइप की बन रही है। चलिए अब आलू और मच्छी भी फ्राई हो गए। अब तेल में साबुत गरम मसाला डाल दिया हमने, उसके बाद जो प्याज कटा हुआ था छोटा हट करके काटे थे हमने वो डाल दिए। अब क्या करेंगे, हम प्याज को 5 मिनट तक इसको ढक देंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए। पकने के बाद थोड़ा रेडिश जैसे आ जाएगा, हम इसमें मसाला डालेंगे। देखिए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर हम डाल देंगे। उसके बाद कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, ठीक है। जैसे ही टमाटर थोड़ा पक जाता है, इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा जीरा ऐड ऑन करे थे, तो इससे थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए, उसके बाद मसालों को पकने के लिए थोड़ा इसमें तेज़पत्ता और नमक डाल देंगे ताकि मसाला जल्दी पक जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए, हम इसमें पानी ले लिए ताकि हम मसाला थोड़ा अच्छे से पके, और इसको 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। मसाला में थोड़ा अभी कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। जैसे ही थोड़ा सूख जाए, और इसमें जितना भी आपको पानी चाहिए, वैसे हम अभी ग्रेवी बना रहे हैं तो उतना पानी डाल देंगे। ध्यान रहे पानी थोड़ा गर्म करके डालिएगा ताकि थोड़ा ये जल्दी बॉयल हो जाता है उससे। देखिए, पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका। अभी हम इसमें जो फ्राई किया हुआ झींगा है इसमें डालेंगे, सारे ही डाल देंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि जो मसाला है इसके अंदर सारे जाए। देखिए, ये सब्जी हमारा रेडी हो चुका है। इस पर हम स्वाद अनुसार गर्म मसाला डाल देंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे।